आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक है और उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे मीडिया के सामने हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कितने विधायक हैं? नहीं, हम अपने विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि संपर्क हो जाएगा। हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। अब दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 800 करोड़ रुपए का काला धन कहां से आया है। और मुझे लगता है कि अगर देश हित में सोचें, दिल्ली हित में सोचें, तो 800 करोड़ रुपए के काले धन की सीबीआई रेडी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विधायकों के संपर्क में आने की जहां तक बात है, मुझे पूरा विश्वास है सब संपर्क में आ जाएंगे और जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही उनसे भी बातचीत हो जाएगी और सब यहां पे उपस्थित होंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि अगर 40 विधायक तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा और एक को 20 दे रही है, तो ये 800 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो दिलीप पांडे को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। दिलीप पांडे भी कह रहे हैं कि सभी विधायक हमारे संपर्क में आ जाएंगे, लेकिन बड़ा आरोप एक बार फिर से बीजेपी पर लगाते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। 40 विधायकों से हमारे संपर्क बीजेपी की तरफ से साधा गया, हर एक को 20 करोड़ का ऑफर दिया गया, सीधे सीधे गणित बैठता है 800 करोड़ रुपए का। बीजेपी बताए 800 करोड़ रुपए का काला धन आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आखिरकार बीजेपी के पास कहां से आया, इसकी तो सीबीआईईडी से जांच होनी चाहिए। ये बड़े आरोप जो लगाए जा रहे हैं दिलीप पांडे की तरफ से बीजेपी पर, 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। अच्छा, सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होनी है और उससे पहले खबर यह भी आई थी कि 3 से 4 ऐसे विधायक है जिनसे आम आदमी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी जब मीडिया के सामने आए दिलीप पांडे, तो उनकी तरफ से कहा गया हमारे सभी विधायकों से संपर्क हो जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं हम सभी हमारे विधायक पहुंचे। लेकिन विधायकों से जब बात हुई है तो करीब 40 विधायकों ने यह जानकारी दी है कि उनके पास बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, 20-20 करोड़ के ऑफर की बात कर रहे थे दिलीप पांडे भी, और यही आरोप कल आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लगाए गए थे बीजेपी पर कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहती है, उन्हें खरीदना चाहती है, 20-20 करोड़ का उन्हें ऑफर दे रही है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।